दोस्तों 28 जुलाई को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की एक नई फिल्म रॉकी और रानी पर्दे पर देखने को मिली, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का पहली बार रोमांस देखने को मिला। पर उससे पहले इस फिल्म में ही धर्मेंद्र और शबाना आजमी के भी रोमांस को देखा गया। जी हाँ, इस फिल्म के एक सीन में धर्मेंद्र और शबाना आजमी का लिप लॉक किस है, इस पर अब हेमा मालिनी ने खुलकर अपना रिएक्शन दिया है। पर आखिर क्या कहा है हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र और शबाना आजमी के लिप लॉक किस पर, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धर्मेंद्र और शबाना आजमी अपने जमाने के बेहतरीन कलाकारों में से एक रहे हैं। दोनों ने ही अपने उम्दा प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता है और अब लंबे वक्त के बाद धर्मेंद्र और शबाना आजमी को पर्दे पर देखा गया। जब शुक्रवार 28 जुलाई को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी रिलीज हुई है, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्म बताई जा रही है। ऐसे में रॉकी और रानी फिल्म को चर्चा में आने की एक वजह और है, और वो ये है कि धर्मेंद्र और शबाना आजमी के बीच दर्शाया गया किसिंग सीन। जी हाँ, रॉकी और रानी फिल्म कई दिनों से सुर्खियां बटोर रही है। ये मूवी बहुत से दिलचस्प ट्रैक से भरी हुई है, जिसमें पुरानी फिल्मों जैसा रोमांस होने का दावा किया गया है, जिसने सभी को चौंका दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद इस जोड़ी का ये सीन जब सामने आया तो इस पर हेमा मालिनी ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे इस लिप लॉक सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें अपने प्रोफेशन के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारा काम है और हमें करना ही पड़ेगा। और हेमा मालिनी ने एक पॉजिटिव वे में अपने रिएक्शन को सभी के सामने रखा। वेल दोस्तों, आप हेमा मालिनी के रिएक्शन के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।